ओके सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे अटैचमेंट सेटिंग के बारे में। एंड अटैचमेंट सेटिंग में ज्यादातर बंदों को पता नहीं होता। एंड गाइज ये जो पांचों के पांच अटैचमेंट दिख रहे हैं ना, ये पांचों के पांच अटैचमेंट है ना, ये किस टाइप से काम करता है एंड इससे हमें फायदा क्या होगा, मैं पूरा प्रैक्टिकली करके इस वीडियो में बताऊंगा। एंड इनमें से तीन अटैचमेंट वेस्ट में लगते हैं एंड एक बैकपैक में एंड एक हेलमेट में। सो इससे हमें फायदा क्या होगा, मैं पूरा प्रैक्टिकली करके आपको बताऊंगा। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सो चलो वीडियो को कर लेते स्टार्ट। सो पहले वेस्ट में लगने वाले अटैचमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सो वेस्ट में ये तीनों अटैचमेंट लगता है, एक है वेस्ट एचपी बूस्टर, दूसरा है वेस्ट थिकनर एंड तीसरा है वेस्ट इनलार्जर। सो सबसे पहले बात करें तो वेस्ट एचपी बूस्टर। सो गाइस ये है वेस्ट एचपी बूस्टर एंड ये वेस्ट एचपी बूस्टर आपको कहीं पे भी लूट पे मिल जाता है। एंड अब बात करें तो इसका काम क्या है। सो गाइस ये आपको 20 एक्स्ट्रा एचपी देता है, जो मैक्सिमम एचपी होता है ना आपका 200, उसकी जगह पे 220 हो जाए। जिस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर देखो गाइस, यहां पे मैं जैसे विस्ट एचपी बूस्टर को यहां से ले रहा हूं तो देखो मेरा मैक्सिमम एचपी 220 हो जा रहा है। जैसे इसको फेंक रहा हूं तो देखो मेरा नॉर्मली जितना एचपी था उतना ही हो गया। इस टाइप से गाइस विस्ट एचपी बूस्टर का यही काम है कि वो आपको एक्स्ट्रा 20 एचपी देगा। एंड अब बात करें तो विस्ट में लगने वाला दूसरा अटैचमेंट जिसका नेम है विस्ट थिकनर। सो गाइस ये है विस्ट थिकनर एंड विस्ट थिकनर आपको नॉर्मली कहीं पे भी लूट में मिलता है। एंड ये किस टाइप से काम करेगा कि गाइस ये आपके वेस्ट के पावर को इंक्रीज करता है, यानी कि आपके वेस्ट के पावर को इंक्रीज करेगा तो आपको आने वाले डैमेज को भी कम कर देगा। सो किस टाइप से काम करेगा, यहाँ पे देखो गाइस दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही, दोनों में मेरे पास 3 लेवल का वेस्ट है एंड दोनों में ग्रेनेड से डैमेज हो रहा हूं, मतलब कि दोनों में ग्रेनेड हाथ में फोड़ रहा हूं। तो देखो गाइज कितना ज्यादा डैमेज का डिफरेंट पड़ रहा है। गाइज मेरे पास जिसमें वेस्ट थिकनर लगाया हुआ है उसमें देखो मेरे को सिर्फ 75 का डैमेज लग रहा है, बट जिसमें वेस्ट थिकनर लगाया हुआ नहीं है उसमें देखो 200 का डैमेज लग रहा है एंड उसमें मैं डाउन भी हो चुका हूँ। गाइज मेरे पास दोनों में 3 लेवल का वेस्ट था, ठीक है। सो गाइज ये पावर है वेस्ट थिकनर का। सो वेस्ट थिकनर आपको बहुत ही हेल्प कर सकता है। एंड अब बात करें तो वेस्ट में लगने वाला तीसरा अटैचमेंट उसका नेम है वेस्ट इनलार्जर। सो वेस्ट इनलार्जर किस टाइप से काम करेगा, वो आपके वेस्ट के पावर को इंक्रीज तो करता है बट वो फ्रंट से एंड बैक से आने वाले डैमेज को कम नहीं करता, वो आपको लिम्स पे आने वाले डैमेज को कम करता है। लिम्स मतलब कि गाइस आपके हाथ एंड पैर पे, कोई भी बंदा आपके हाथ एंड पैर पे डैमेज मारेगा ना उस टाइम कम पड़ेगा जिस टाइम भी आपके पास वेस्ट इनलार्जर होगा। गाइस फ्रंट से आने वाले डैमेज को कम नहीं करता क्योंकि गाइस यहां पे देखो दोनों स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, एक में मेरे पास वेस्ट इनलार्जर है एंड एक में वेस्ट इनलार्जर नहीं है एंड दोनों में 3 लेवल का वेस्ट था। तो देखो गाइस दोनों में एक ही जितना डैमेज पड़ा, डैमेज में थोड़ा सा भी डिफरेंट नहीं पड़ा एंड उल्टा जिसमें वेस्ट इनलार्जर था ना उसमें एक का डैमेज ज्यादा पड़ा। तो गाइस इस टाइप से गाइस तो वेस्ट इनलार्जर गाइस आपको फ्रंट से एंड बैक से आने वाले डैमेज को कम नहीं करता, वो आपको लिम्स पे आने वाले डैमेज को कम करता है, ठीक है। सो वेस्ट में गाइस ये तीनों की तीन अटैचमेंट लगते हैं एंड इन तीनों के अटैचमेंट किस टाइप से काम करेंगे मैंने आपको बताया। सो अब बात करें तो बैकपैक में लगने वाला अटैचमेंट है एंड उसका नेम है बैक पंच। सो गाइस ये है बैक पंच, देखो गाइस एंड बैक पंच आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। एंड बैक पंच काम कैसे करेगा कि ये आपके बैकपैक का कैपेसिटी बढ़ा देगा। एंड कैसे बढ़ाएगा, यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो, देखो गाइस यहाँ पे जैसे मैं बैक पंच को परचेस कर रहा हूँ तो देखो बैकपैक का कैपेसिटी बढ़ जा रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से। तो इस टाइप से गाइस जैसे मैं इसको फेंक रहा हूँ तो देखो फिर से मेरा बैकपैक का साइज जितना था उतना हो जा रहा है। तो इस टाइप से गाइस आपके बैकपैक का कैपेसिटी बढ़ाता है बैक पंच। अब बात करें तो हेलमेट में लगने वाला अटैचमेंट एंड उसका नेम है हेलमेट थिकनर। तो ये है हेलमेट थिकनर एंड हेलमेट थिकनर गाइस आपको ये वाले डब्बे में ही दिखने को मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलेगा, या फिर आपके बाउंड्री में मिलेगा और किसी भी जगह पे नहीं मिलेगा। बात करें तो ये किस टाइप से काम करेगा, ये आपके हेलमेट के पावर को इंक्रीज करता है, मतलब कि आपके पास हेलमेट थिकनर होगा ना तो आपको हेड पे आने वाले डैमेज को कम कर देगा। जिस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर देखो, देखो दोनों
स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, एक में हेलमेट थिकनर लगाया हुआ है एंड दूसरे में हेलमेट थिकनर लगाया हुआ नहीं है। तो देखो गाइस कितना ज्यादा डैमेज का डिफरेंट पड़ रहा है, कहां पे 46 एंड कहां पे 17। गाइस टाइप से काम करता है हेलमेट थिकनर। आपको जब भी हेड पे कोई भी एनिमी डैमेज मारेगा एंड आपके पास हेलमेट थिकनर होगा ना, तो आपको नॉर्मली से कम डैमेज पड़ेगा। तो गाइस इस टाइप से काम करते हैं ये पांचों के पांच अटैचमेंट। एंड गाइस इन पांचों के पांच अटैचमेंट के बारे में पहले आपको पता था क्या, मेरे को कमेंट में जरूर से बता देना। सो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चलो गाइस बाय बाय।